देखें ग्रामीण न्यूज YouTube पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मालिक और नौकर के बीच दोस्ती कोई नई बात नहीं है, पर अगर दोस्ती दोस्ताना वाली हो तो हैरानी होना लाजमी है। कुछ इसी तरह की घटना कुशीनगर के कसिया थाने में कुड़वा दिलीप नगर गांव में हुई, जहां एक मालिक और उसके नौकर के बीच ये दोस्ती प्यार में बदली और उसके बाद हुई मौत। दरअसल कुशीनगर के कुड़वा दिलीप नगर के गांव में एक घटना ने पूरे गांव वालों को हैरान किया हुआ है। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाला रविंद्र अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटा था और गांव के ही सुरजीत राय के यहां काम करता था, मगर मालिक और नौकर के बीच दोस्ताना संबंध धीरे धीरे प्यार में बदल गए। सुरजीत और रविंद्र के बीच इतनी गहरी दोस्ती थी कि रविंद्र ने अपने एक हाथ पर सुरजीत का नाम गुदवा रखा था और प्यार इतना था कि सुरजीत जहां भी काम करता था रविंद्र को अपने साथ लेकर रहता था। गए थे बनारस, इनके साथ काम करा रहे थे, पहले अथी में बड़े दरबार में थे, वो काम करा रहे थे और उसके बाद आए थे, उसके बाद रेप केस कर दिए थे तीनों दोस्त इनके साथ, तीन साथ में थे दोस्त, कर दिए रेप केस इनके साथ, तो वही थाना में रिपोर्ट दिया गया था। 377 का मुजरिम थे ये सब, और उसके बाद क्या किए हैं, पिया खिया कर और उसके बाद सुलह करा लिए, उसके बाद कहें कि हमारे घर रहो, घर थे। इसके बाद जोर किया कर एक महीने बाद इनके घर रख कर एक महीने बाद उनको जोर किया कर मार दिया है। आइए रविंद्र पटेल डाले थे अपने फेसबुक पर कि हमारे मौत के जिम्मेदार सुजीत राय होंगे। ये रिश्ता दोनों के बीच करीब 6 सालों तक चल रहा था, मगर गांव में सुरजीत की पत्नी को रविंद्र की हरकतों और दोनों के रिश्तों की भनक लगी और पत्नी ने सुरजीत से रविंद्र और उसे चुनने को कहा। आखिर में सुरजीत ने रविंद्र को छोड़ दिया, जिसके बाद रविंद्र ने अपने साथ सुरजीत पर अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगाया और FIR दर्ज करवा दी। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी सुरजीत एक महीने तक फरार रहा। आखिरकार दोनों में सलाह मशवरा हो गया, लेकिन फिर अचानक से ही रविंद्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सर, वो लड़का जो था उसको दिलीप नगर स्टेट के एक नौकर है सुरजीत सिंह, उन्हें झांसा दे करके बनारस ले गए उसको, और बनारस में इनके रिश्तेदारी की यहाँ कोई कपड़ा खींचने और नौकरी वोकरी के लिए रखे हुए थे, वहीं इन लोगों की दोस्ती हुई विक्टिम का, और उसको ले करके फिर यहाँ पर जब आए तो उसके साथ ले जा करके दुष्कर्म किए दो तीन लड़कों के साथ करके पटराना ले जा करके पता नहीं कैसे सुलह करा लिया, ये मालूम नहीं है किसी को, वो 164 रुपया का बयान हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, और सुलह करा लिया, पता ये चला कि उसको लालच दिए थे मोबाइल वगैरह का और कुछ और प्रलोभन दिया था, बाद में उसको दिया भी नहीं, उसके बाद से उसको लालच दे करके कई महीनों से अपने ही घर रखते थे। इसी बीच पुलिस को रविंद्र का एक फेसबुक पोस्ट मिला है जिसमें रविंद्र ने लिखा है कि अगर उसकी मौत होती है तो उसका जिम्मेदार सुरजीत ही होगा, और वहीं सुरजीत भी कई दिनों से फरार चल रहा है। अब रविंद्र की मौत का शक सीधा सुरजीत पर ही जा रहा है। फिलहाल सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और परिजनों और गाँव वालों के हंगामे के बाद कसिया पुलिस ने गंभीर धाराओं में सुरजीत राय पर केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्यवाही की बात कह रही है। फिलहाल ये आत्महत्या है या हत्या, पुलिस जांच के बाद ही कुछ साफ कर पाएगी, पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि पिछली घटना में भी सुरजीत फरार था, तब भी पुलिस उसे पकड़ पाने में असमर्थ थी, और अब एक बार फिर से सुरजीत और उसका पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर फरार है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस की संदिग्धता देखी जा रही है, क्योंकि ये मामला रसूख और जमींदारों के बीच के कर्मचारी का है, जिस वजह से पुलिस ढीला ढाला रवैया अपना रही है। देखिए ग्रामीण न्यूज़ YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।